कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए, जिसमें पहला पॉइंट है आपका क्लू दे रहा है, क्लू है ना, उस क्लू के हिसाब से हमें राइट आंसर निकालना, जैसे पेपर में क्वेश्चन बनता है उस तरह का, ठीक है। पहला हिंट क्या है, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन टू टीक, मतलब कि जो इसकी उत्तरी सीमा है, इसकी उत्तरी सीमा ठीक है, सागौन के वन हेतु प्रसिद्ध है, बड़ा कठिन सा टिप्स दिया है। चलो, यानी कि टीक कहां पर होता है उस पर दिमाग लगाना है ना, कैसे दिमाग लगाना है ना, कि चौड़ी पत्ती है ना, छाया नहीं है, सीधा सीधा है, सरल लकड़ी है। अब जो है क्लाइमेटिक कंडीशन से हम इस तरह क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक से, दिमाग लगा करके। दूसरा पॉइंट है इसमें, इट इज नेचुरल हैबिटेट फॉर स्लॉथ, इंडियन वुल्फ, बियर, पेंगोलिन, लेपर्ड एंड घड़ियाल। यह स्लॉथ है ना, और क्या होता था, हाँ, भारतीय भेड़िया, भालू, पेंगोलिन, तेंदुआ तथा घड़ियाल, इतने जानवरों का नाम नहीं लिखूंगा सुबेरे सुबेरे, ठीक है, का क्या है, प्राकृतिक निवास स्थान है। दूसरा ये हो गया, कोई अच्छे तेंदुआ लिख, नहीं तेंदुआ नहीं लिखूंगा, स्लॉथ लिख देता हूँ, ठीक लगता है, ठीक, हाँ, इनका निवास स्थान है। दूसरा क्लू, तीसरा क्लू बढ़िया है, इट इज ए प्राइम टाइगर लैंड, यह मुख्य तौर पर बाघों की धरा है, मुख्य तौर पर बाघों की धरा है ना, यहां बाघ पाए जाते हैं। व्हिच लिंक्स द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न साउथ वेस्टर्न रनिंग विंध्यन हिल रेंज, ठीक है, ये बढ़िया क्लू मिल गया, ठीक है। इसकी लाइन अगली है, ठीक है, जो कि वन्य जीवों की दिमाग दौड़ाओ तुम लोग, वन्य जीवों की पूर्वी तथा पश्चिमी प्रवासों को जोड़ता है, ठीक है, जो कि विंध्य पर्वतमाला से होके जाता है, जो कि विंध्य पर्वत माला, विंध्य पर्वत कई राज्यों में है, होके जाता है। चलो लास्ट क्लू, यह यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा वन्य जीव आगार की श्रेणी में शामिल है, यूनेस्को, ठीक, बायोस्फीयर रिजर्व। अब आसान हो गया,
वन जयमंडल आगार जिसे हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन ए पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी पेंच, ऑप्शन सी वाल्मीकि, वाल्मीकि में ये उधर से रहे, ठीक, डी पलामू। क्या होगा? जल्दी जल्दी टिक मारिए, दिमाग लगाइए, पूरा दिमाग निचोड़ डालिए, बढ़ाया गया है, गेस कर सकते हैं। हाँ सही है, शिवेन जी का सही है। हाँ भाई, इसमें जो राइट आंसर है वो है पन्ना। पन्ना देखो ये क्या कह रहा है, गेस कैसे करेंगे? देखो सही है सर। इसमें 2 मिनट क्या कहते हैं झंझट आता है, बाकी नहीं। देखो ये तो पलामू है ना, ये यहां पर साल के बन पाए जाते हैं साल, और इसके बारे में हम बता चुके हैं कहां पर, हिस्ट्री में। सोचो क्या बताए थे, बिरसा मुंडा विद्रोह, जब वहां पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले साल के वनों को रिप्लेस करके है ना टीक उगाना चाहती थी, टीक उगाना चाहती थी सरकार, तो विरोध में वह जंगल सफाई के, क्योंकि उस साल के वन वहां पे प्राकृतिक तौर पर पाए जाते थे और वो लोग उसको जो है धार्मिक दृष्टिकोण से देखते थे, ठीक है। और वाल्मीकि सेम कंडीशन, वाल्मीकि जो है विंध्य पर्वतमाला के दोनों छोरों को नहीं कनेक्ट कर रही है। पेच आता है फिर अगली बात है ना, बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है इनमें से तीनों ही, सबसे खास बात इलिमिनेशन रूल एक से लग जाता है, इलिमिनेशन रूल तो एक ही से लग जाता है, बाकी ऊपर देखने की जरूरत नहीं थी है ना। और वो था पन्ना, 18 है 12 बायोस्फीयर रिजर्व है, हम कहे से रटे रहना दिमाग कहीं ना कहीं। और ये क्यों? क्योंकि करंट अफेयर इस जब हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तब तो भी पढ़ाए थे कि ये करंट अफेयर में कहाँ से आ गया, क्योंकि इस पूरे टाइगर रिजर्व को सिक्टे किया जा रहा है। क्यों? केन केन बेतवा बेतवा लिंक प्रयोग, प्रोजेक्ट, केन बेतवा प्रोजेक्ट केन बन रहा है। बेतवा लिंक परियोजना के कारण ये बायोस्फीयर रिजर्व बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। और दूसरी बात, यहाँ पर हीरे के भंडार पाए जाते हैं, मेन उद्देश्य जो है गुजराती का हीरा निकालना है। वो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट तो एक तरह से क्या कहते हैं छलावा है, समझे, छलावा है, गुजराती को हीरा चाहिए, समझे, गुजरात फेमस है इस चीज के लिए। तो क्लियर हुआ भाई? जी सर, यस सर, हाँ, कैसे इलिमिनेट करते हैं, कैसे दिमाग लगाते हैं, है ना। चौथा ऑप्शन अगर ना, चौथा पॉइंट ना भी दिया होता तब भी गेस करते कैसे, है ना, यूनेस्को वाला सबसे सही मिल गया है ना एकदम से। एकदम यूनेस्को वाला है सटीक सर। मिल गया, केवल वही अकेला था है ना, बाकी कोई था ही नहीं। ऐसा रहे 12वीं बायोस्फीयर रिजर्व है ना, उनके नाम टिप पे होने चाहिए। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट अगला है
कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूपी पीसीएस के लिए कंफर्म क्वेश्चन है ना। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। क्या विचार करें? पहला जोड़ा क्या है? पहला जोड़ा है लोनार झील, महाराष्ट्र। दूसरा जोड़ा कीथम झील, गुजरात। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, Which of the pair given above are correctly matched? निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? ऑप्शन ए केवल पहला, ऑप्शन बी केवल दूसरा, ऑप्शन सी दोनों, बोथ, ऑप्शन डी नोन। अभी बताते हैं कि ये करंट अफेयर में क्यों है। अरे वाह निशी, तुमको भी भूगोल आने लगा है। अरे बाबा जी, ए है ना, नरवानी जी गलत हो गया, देवेंद्री सही हो गया, सुमेन जी सही हो गया। हाँ, अब आते हैं, बात करते हैं कौन सा सही है ना। तो इसमें केवल पहला सही है, दूसरा क्यों गलत है, क्यों गलत है? कीथम झील कहाँ है? आगरा, आगरा उत्तर प्रदेश। और ये करंट अफेयर में क्यों है, और हमने दंग चोट पे क्यों कहा कि यहाँ क्वेश्चन जरूर आने की संभावना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरे मौसियन पेपर बनाया है, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है ना। क्यों? क्योंकि क्योंकि रामसर साइट में शामिल होना है ना, अपने में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व की चीज है। रामसर साइट्स क्या हैं? एक बार बता दीजिए, इसको बताएंगी नरवानी जी, आप बताएंगी रामसर हाँ साइट्स क्या हैं? हाँ, वो वेटलैंड्स को, मतलब वेटलैंड्स जो होते हैं ना, उसको इंक्लूड किया जाता है रामसर साइट्स में। हाँ, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की झीलें होती हैं है ना, उनकी जैव विविधता को संरक्षित रखने के लिए स्पेशल जो है प्रोटेक्शन देने के लिए, स्पेशल इंटेंशन देने के लिए वहां पर की फोकस करेंगे ज्यादा है ना। गवर्नमेंट का इंटेंशन उसके प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा होगा बाकी के कंपैरिजन में, कहने का मतलब ऐसा है ना। तो उसकी शर्तें हैं, पढ़ाया जा चुका है ना, पीछे के करंट अफेयर की क्लासेस में डिटेल में वहां क्वेश्चन जरूर आते हैं। रामसर साइट मतलब कि 2 फरवरी 1971 में रामसर ईरान में सम्मेलन हुआ था इसके लिए है ना, और इसीलिए उसे वेटलैंड, वर्ल्ड वेटलैंड डे कहते हैं, विश्व नम भूमि दिवस के नाम जाना जाता है। और भारत में अब कुल, अगला क्वेश्चन एक और बन सकता है, कुल रामसर साइट्स की संख्या कितनी है? तो उसमें राइट 42 हाँ ठीक है। हाँ, तो अभी जस्ट कौन सी ऐड हुई है? न्यूएस्ट, एक क्वेश्चन यही बन सकता है। लद्दाख में हुई है ना एक? हाँ, लद्दाख में हुई। हाँ हाँ, कौन सी, कौन सी? मैंने नोट किया था, नाम भूल गया नोट किया था मैंने उसको। सोचो सोचो, कई सारी ऐड हुई हैं इस साल, 14 हो चुकी है अब तक 2020 में। हाँ, इसलिए कह रहे हैं, देखो वहां से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। और ये 42 नहीं 41 है ना संख्या? नहीं सर, 42
42 संख्या तो 42 ही है सर। ऊपर लेकिन मेरे पास 41 ही लिखी है, एक नहीं लिखी, पता नहीं कौन सी छुट्टी है, 42 है लेकिन टोटल। अभी हुई है नई जो है 100 कार, 100 कार वेटलैंड, 100 कार वेटलैंड लद्दाख में। हाँ 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 ठीक, तो वो हो गया ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, ये वाला भी सबसे न्यूएस्ट वाला भी पूछा जा सकता है ना। बाकी ये जो आपका 14 नए आए हैं, ये तो सब पूरे पूरे एकदम टिप पे होने चाहिए है ना। अब जैसे महाराष्ट्र की एकमात्र ये कैसी झील है लोना, ज्वालामुखी कैसी है, ज्वालामुखी वाली क्रेटर झील, क्रेटर झील है ये महाराष्ट्र। हाँ एकमात्र क्रेटर झील है ज्वालामुखी अपरदन से इसका निर्माण होता है ना। और एक क्या कहते हैं कीथम झील है ना, कीथम झील जिसका दूसरा नाम है सुर सरोवर। अगर मान लो इसको इस तरह से ना पूछ करके पूछे तो कीथम को ही क्या कहते हैं, सुर सरोवर झील कहते हैं इसे है ना। ये कहाँ है, आगरा। यही वाला नहीं लिखा मेरा सर, यही टूटा था, आगरा वाला कीथम ने। हाँ कीथम का ही नाम है, कीथम का, तो ये गुजरात में नहीं है ठीक है, ये गुजरात में नहीं है ठीक है भाई। तो अगला क्या कहते हैं, अगला ये हो गया है ना। बाकी वो सब जितने 14 हो वो हमने लिस्ट बनवाया था एक बार, और पीछे मसला हुआ था तो हमने सारे नोट करवाए थे ठीक है। और ये जो एकदम लेटेस्ट है लद्दाख वाली, इसको दिमाग में याद रखना, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये भी है। और ये लोनार वाला भी लेटेस्ट ही है सर। हाँ ये भी है, ये भी सब लेटेस्ट ही तो है ना, ये सब नए ही हैं। 14 ऐड हुए थे ना 2020 में। हाँ 10 एक साथ हुए थे फरवरी में सर, 2 फरवरी 2020 को 10 साइट एक साथ हुई थी, उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक करके हुई है। अगला क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी यूपीएससी के स्तर का क्वेश्चन है ये ठीक है, हालांकि ये भी था। बिहार पीसे क्वेश्चन देख करके तो छे ना लोग कह रहे कैंसिल हो जाएगा, कई लोगों से हमने पूछा बड़े खुश हैं, कह रहे हैं मैथ क्वेश्चन कठिन कठिन दिए थे इसलिए कैंसिल हो गया। हमने कहा अच्छा कठिन थे मैथ कठिन थे हाँ बताओ सोचो, और कह रहे हैं भूगोल बहुत कठिन थी, इतिहास भाव बहुत कठिन आया था फिर कह दो साइंस भी बहुत कठिन थी ना, फिर कह दो साइंस भी बहुत कठिन थी उसके लिए रहेगा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश पेरू के साथ सीमा बनाता है, अब बहुत आसान है, अगर किसी ने वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास किया है तो मैप दिमाग में होगा, तो पेरू के साथ सीमा बनाता है, कितना आसान सा है भाई है? पेरू देश के साथ सीमा कौन बनाता है, पहला पॉइंट बोलीविया, दूसरा पॉइंट चिली, तीसरा पॉइंट ब्राजील, चौथा पॉइंट इक्वाडोर। ऑप्शन ए दूसरा एवं तीसरा, ऑप्शन बी पहला तीसरा एवं चौथा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी दूसरा तीसरा एवं चौथा ठीक है, ऑप्शन डी आल। इसको तो सबका सही होना चाहिए,
ऑप्शन बी पहला, दूसरा दूसरा चौथा है ना, लिखा है एक, सॉरी पहला तीसरा चौथा है कि दूसरा तीसरा चौथा है? नहीं लिखा है, लिखा है बहुत धीरे आंसर दे रहे हो सब गूगल पे चेक करके। इसमें जो सही है वो सभी सही है, ठीक है। और ये क्यों जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भाई किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि एक मिनट के लिए भी प्रेसिडेंट ना रहे ना, हेड ऑफ स्टेट ना रहे एक मिनट के लिए भी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन पेरू में ऐसा हुआ, वहां पर भीषण जन विद्रोह के कारण है ना, आंतरिक विद्रोह के कारण 24 घंटे तक जो है कोई मतलब कि औपचारिक प्रेसिडेंट ठीक है नहीं रख पा रहे थे लोग, मतलब काम चलाऊ कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं अपॉइंट कर पा रहे थे। पुलिस ने फिर लाठियां उठाई और सबकी करी तुड़ैया है ना, और उसके बाद जाकर के इंटरिम प्रेसिडेंट वहां पर अपॉइंट हुए है ना, फ्रांसिस्को सगस्ती। और पीछे वाले थे मार्टिन बिजाक्रा, ठीक है ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकते हैं। फ्रांसिस्को सगस्ती, लेकिन विद्रोह जारी है, ये क्या है इंटरिम प्रेसिडेंट है ना। पहले थे मार्टिन बिजारका, ये भी कुछ ही समय के लिए बचेंगे। बहुत हालत खराब कर दिया है वहां की अमेरिका ने सब षड्यंत्र करके, पूरा साउथ अमेरिका जो नचा रखा है, एक एक करके बारी बारी से सबकी बाट लगा रहा है। तो ये हो गया, ये करंट अफेयर की बात हो गई जिससे इसको इस तरह कनेक्ट किया। देखो करंट अफेयर और कनेक्ट किया जाकर भी, यानी कि तुम करंट अफेयर पढ़े तो वहां की अगल बगल देखे कि नहीं देखे, कि बस करंट अफेयर के भाग लिए, इस तरह क्वेश्चन नहीं बनाता है। ठीक नेक्स्ट, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है भाई, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए है ना। तो पहला तथ्य है हिंट, ठीक है हिंट, यह एक महान जैन संत हुए जिन्होंने अपना जीवन भगवान महावीर के, भगवान महावीर की शिक्षाओं को प्रसारित करने में व्यतीत कर दिया, ठीक है। ये क्या है जैन संत जिन्होंने महावीर की शिक्षा, 24वें तीर्थंकर महावीर की शिक्षाओं को फैलाया, इससे क्या हिंट मिलती है भैया कि ये क्या है, श्वेतांबर है कि दिगंबर? दिगंबर। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा ठीक है, दूसरी बात ठीक है,
क्या कहते हैं क्या कहते हैं स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है ना, जिसका कारण स्वदेशी आंदोलन भी था। ठीक है, यानी कि उस समय मॉडर्न जमाने की बात है। तीसरा तीसरा बात हाल ही में राजस्थान में इनकी 191वीं जयंती पर शांति का क्या कहते हैं प्रतिमा का अनावरण किया गया, स्टेच्यू ऑफ पीस रिसेंटली अनवील इन राजस्थान टू मार्क हिज 151st जयंती सेलिब्रेशन। यानी राजस्थान पीस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 151वीं जयंती पर क्या किया गया, स्टेच्यू ऑफ पीस। इतनी देर में तो लोग सर्च कर लिए होंगे ना, लेकिन अभी हम टेस्ट थोड़ी ना ले रहे हैं, टेस्ट लेंगे तो कैमरा सबका ऑन करा के बैठाएंगे। इम्पॉर्टेंट है ये, यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है और राजस्थान पीसीएस के लिए इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन ए ऋषभनाथ, बी अभिनंदन स्वामी, सी विजय वल्लभ सुरेश्वर, ऑप्शन डी वर्धमान महावीर। बताओ भाई बताने, इसमें सी है सर, सीधा सीधा ए और डी तो वैसे ही निकल जा रहे हैं, इनको एलिमिनेट कर दो। ये पहले तीर्थंकर महावीर के परदादों ना पैदा हुए होंगे है ना, ये खुद है ना, इसमें वर्धमान लग गया है, बस दो ही बचे, बचे दो अभिनंदन स्वामी खुद जैन तीर्थंकर जो पहले आए थे इनसे है ना, ये तीन तो खुद ही जैन तीर्थंकर है, अभिनंदन नाथ है ना, ये तो खुद ही तीन लोग जैन तीर्थंकर थे जो सब पहले आ चुके, और वर्धमान महावीर खुद है ना, लेकिन ये हाँ इन्होंने मान लो अपनी ही बात को प्रचार प्रसार किया, लेकिन ये स्वदेशी आंदोलन समय नहीं थे। तो इसमें बचा कौन, एकमात्र बंदा जो तीर्थंकर नहीं था, ये इलिमिनेशन रूल लगाया और हमें उत्तर मिल गया इलिमिनेशन रूल। हाँ ये तीनों तीर्थंकर थे, ठीक है, ये ही नहीं थे तीर्थंकर। तो क्वेश्चन वो ज्यादा कठिन नहीं देता है तुम्हें, वो देखना चाहता है तुम्हारा स्टैटिक पोर्शन तैयार है कि नहीं। हम वही समझाना चाहते हैं कि जो करंट अफेयर भी होता है वो भी स्टैटिक होता है, ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर पैदा कैसे होता है, करंट अफेयर ऐसे पैदा होता है जैसे किसी नदी पर बांध बना, तो नदी कौन सी है, जागर भी वो सनातन से चली आ रही, किसी व्यक्ति का स्टेचू लगा हिस्ट्री में चले गए, खुदाई में कुछ निकला कहीं हिस्ट्री में चले गए, तख्ता पलट हुआ राजनीति है, बहुत सारी चीजें हैं जो पूरा पीछे का ही है स्टैटिक, जहां से बनता है करंट अफेयर। करंट अफेयर भैया स्टैटिक ही है ना, आगे आने वाले क्या कहते हैं 100 वर्षों बाद वो स्टैटिक है, वही इतिहास है कि नहीं,
और क्या इतिहास का कोई स्वरूप थोड़ी ना है कि नहीं यही बस यहां से यहां तक इतिहास, उसके बाद सब करंट अफेयर रहेगा। तो समझो कि कैसे बनाता है क्वेश्चन, बस यही मैं चाहता हूं, है ना। और ये जानते हो सबसे खास बात, बहुत महंगी बन रही भाई, 151 क्या कहते हैं इंच लंबी क्या कहते हैं स्टेचू है, जो कि अष्ट धातु से बन रही है। अष्ट धातु बहुत महंगा होता है, और 151 इंच क्यों, क्योंकि 151वीं जयंती, उसको याद रखने के लिए। और ये कहां पर इंस्टॉल की गई है, राजस्थान के पाली में, जेतपुरा, वहां पर बनाया गया है विजय बल्लभ साधना केंद्र, विजय बल्लभ साधना केंद्र कहाँ, जेतपुरा राजस्थान। ये भी एक टूरिस्ट हब हो जाएगा कुछ दिन में। ये बहुत बड़े पोएट भी थे, भक्ति मतलब पोएट का मतलब भक्ति वाले चीजें लिखते थे। कई ग्रंथ भी इन्होंने लिखा था, राइटर भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्रिस्तन दा कुन्हा से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द त्रिस्तन दा कुन्हा? त्रिस्तान द कुन्हा पहला ऑप्शन, ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में द्वीपों की एक लंबे द्वीपों की एक छोटी कतार है। चेन ऑफ आइलैंड्स, बी दूसरा है ही इज ए पुर्तगीज ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जहांगीर, यह एक पुर्तगाली यात्री था जो कि जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तीसरा, यह एक महान समाज सुधारक थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत के समय में चाइल्ड मैरिज पर रोक लगाने के लिए आंदोलन किया था, ठीक है, बाल विवाह के विरोध में। यानी समाज सुधारक, मॉडर्न स्ट्रीम, नन। बताओ भाई, यही सी लग रहा है मुझे तो।
अनिल वो दीपेश नहीं आया, उसको नहीं भेज दे दीप क्या लिंक? उसका नंबर नहीं था दीप हमारे पास। अनिल जी अच्छा लिंक भेज दिए थे तुम, उसका नंबर हमारे पास नहीं ना। अरे चलो लिंक भेज दो, अभी भेज दो, उसका नंबर हमको दे देना तो हम उसको वेट करें। चलो ठीक है, हाँ बताओ भाई। इसमें जो सही उत्तर है वो है ए, ठीक है? कैसे? एक मिनट पानी पी आता हूँ। एक कोई कुन्ना आया था लेकिन उसका नाम कुछ और था, त्रिस्तन करके नहीं था, नोनो तो कुन्हा नूनो द कुन्ना। तो वो था ना, क्या बोलते हैं, फ्रांसीसी था शायद ना, क्या पुर्तगाली पुर्तगाली था। था। अच्छा अब जहांगीर के टाइम में आया था वो। अब ये मुझे पता नहीं है, मैं तो सी नंबर इसलिए बोला क्योंकि अभी मोदी सरकार चाइल्ड मैरिज वो नहीं कर रही, लड़कियों की उम्र बढ़ा रही है 18 से 21 कर रही है, बेकार कर रही है, इसलिए मैंने सोचा शायद करंट में हो। नहीं, जो त्रिस्तन वर्ड है ये उधर ले जा रहा है, पहले वाले ऑप्शन की तरफ। हाँ सर ने पहले ही बताया लेकिन अब मुझे पता नहीं था ना, पहले से कैसे संबंधित है ये। नहीं, थोड़ा सा वर्ड लगता है ना, मतलब उसका नाम से रिलेटेड लगता है। ये दीपों की कतार है इस तरीके से, समझे? नहीं, नाम से लगता है पुर्तगाली यात्री नहीं, पुर्तगाली है यात्री ना। कुन्ना से लग रहा है, कुन्ना वाले से लग रहा है सर। हाँ तो कुन्हा ही तो होते थे, नूनो दे कुन्हा, त्रिस्टो दे कुन्हा, ये सब हाँ गवर्नर रहे पुर्तगाली जी है ना, तो ही पुर्तगाली गवर्नर के नाम पर ही तो आइलैंड का नाम पड़ा हुआ है, ठीक है? लेकिन वो यात्री नहीं था, गवर्नर था, जिसके नाम पर वो जी जगह, जिसने इसको बसाया बंदरगाह के लिए और स्टे के लिए, और मोस्ट आइसोलेटेड आइलैंड है साउथ अटलांटिक में, जिसमें जानते हो कितने लोग रहते हैं? केवल 245 लोग रहते हैं यहाँ, ठीक है? और इसको एक महासागरीय संरक्षित क्षेत्र हाल ही में नवंबर में घोषित किया गया, ठीक? महासागरीय मतलब मैरीन प्रोटेक्शन जोन, महासागरीय संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया, और ये दुनिया का अब चौथा सबसे बड़ा महासागरीय संरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, ये यहाँ पर पाए जाते हैं इंडेंजर्ड कैटेगरी के जीव, जैसे पीली नाक वाला अल्बाट्रोस पक्षी है, और पेंगुइन पाई जाती है, राक हूपर पाया जाता है ना, ये सब मेन तौर पे यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है? और ये थी यहाँ पर, मतलब कि साउथ की लगभग 85% प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इंडेंजर्ड प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है? इनकी सब स्पीसीज बहुत सारी हैं, व्हेल की 11 प्रजातियां पाई जाती हैं, डॉल्फिन की 11 प्रजाति पाई जाती है, हाँ पेंगुइन की पाई जाती हैं, इसी तरह से क्या कहते हैं, पेंगुइन की वही एक ही वैरायटी है पाई जाती है, हाँ राक ऊपर की 17 वैरायटी पाई जाती है। तो ये सब खूब बड़े पैमाने पर रिच रीजन, अगर इसको गूगल पे भी सर्च करोगे तुम्हें मैप में ये हरा हरा दिखाई देता है, इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी यहाँ की। सील पाया जाता है, ठीक है?
और यहाँ की जैव विविधता की जांच परख के लिए मान लो इतना डीप कभी पूछे तो प्यू बर्टली ओशन लीगेसी प्रोजेक्ट के तहत पता चला। के तहत पता चला। चलो भाई ये बढ़िया चीज निकल के आया, राइट आंसर ए। अगला अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहां से दो तरह के क्वेश्चन हम बना सकते हैं। चलो हम एक तरह का पहले क्वेश्चन बना लेते हैं। निम्नलिखित तथ्यों में से यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? क्वेश्चन, यूनेस्को मदन जीत सिंह प्राइज से संबंधित सही तथ्य कौन सा है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। इस पुरस्कार के वितरण का प्रारंभ महात्मा गांधी की 125वीं वर्षगांठ पर, 125वीं कह सकते हैं जयंती है ना, पर उन्नीस सौ पंचानबे में, 1995 में हुई। अब इस पुरस्कार का वितरण शुरू किया 1995 में। दूसरा पॉइंट है, यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस पर, ठीक है, इंटरनेशनल टॉलरेंस डे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता, ठीक है, दिवस पर प्रति 2 वर्षों में, क्या फ्रीक्वेंसी है? 2 ईयर्स प्रति 2 वर्षों में दिया जाता है। ऑप्शन ए, वही कौन सा सही होगा? और यहां पर एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता है कि हाल ही में, है ना, हाल ही में हाँ हाल ही में यूनेस्को मदनजीत सिंह पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको दिया गया? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो पहले तो इस वाले को सॉल्व कर लेते हैं। बेटा और पहली बात तो कौन से दिन को इंटरनेशनल टॉलरेंस डे नाम के तौर पर मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी याद रखना। तीसरा, 3 क्वेश्चन निकल के आए यहाँ। 16 नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर, ठीक है, इसी कहते हैं। ये क्या होता है सहिष्णुता? सहिष्णुता क्या है? आए टॉलरेंस दिन सुनते रहते हैं यू आर अपने नॉट सेकुलर, आर यू सेकुलर? अपने अपनी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए दूसरों की हाँ, धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना। दो कौड़ी के कुछ नचनिया लोग हैं,
है ना, दो कौड़ी के कुछ नचनिया लोग हैं, है ना, जिनको जिनकी जो है दो कौड़ी की बीबियां क्या कहती हैं कि भारत अब सहिष्णु नहीं रहा। अरे तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती बोलने की, अगर सहिष्णु नहीं होता तो, है ना, अगर सहिष्णु नहीं होता हमारा देश, तुम्हारी इतनी औकात नहीं होती कि तुम यहां हमारे देश में खड़े होकर के इस तरह के शब्द इस्तेमाल कर पाते। ये फंडामेंटल राइट ही है हमारे देश का जो तुम्हें तब बोलने दे रहा है। जाके बोलो सीरिया में, जाके बोलो क्या कहते हैं वहां पर, अपने ही देशों अपने ही लोगों को मारने के लिए केमिकल वेपन छोड़ देता है वो, मिसाइलें गिरा देता है वहां की सरकार खुद अपने लोगों को मारने के लिए। हाँ रसिया में बोल के दिखाओ, पुर्तगाल में बोलो, है ना, जा करके सबसे बढ़िया बात, जाओ वहां नॉर्थ कोरिया चले जाओ, है ना, वहां तुम हल्का से बोल के दिखाओ, धीरे से अपने घर के अंदर। देख लो सर, जैक जैक माने थोड़ा सा बोला था कि मतलब सरकार की नीतियों के बारे में कुछ, सरकार हाथ धो के प्रगति पीछे, छोटा अरे औकात मिला दी तुरंत ही, जैसे बोली थी सब मोटा लोग उठ आदमी भी नहीं है के जैक शेयर माने। मार्केट में पैसा निकालने लगे, सबको कंफर्म हो गया था हाँ कि सर, इसका तो बुरा होने आया है, उसका शेयर प्राइस इतना तेज डाउन हुआ है ना, सब लोग पैसा निकालने लगे, अरे बवाल होगा, आप निकालो पैसा इसके मार्केट से, है ना। तो देखो भाई इसमें जो सही उत्तर है वो है सी। तो इसमें यह भी सही है कि गांधी जयंती पर, और यह भी सही क्योंकि गांधी बड़ा सहिष्णु आदमी था, कहने की बात है ना, मतलब होएंगे भी तो हैं सर, ना, हाँ हम इस पर चर्चा का विषय हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे नहीं लोगों का वो तो कहना है ठीक कि वो है, सहिष्णु नहीं थे, है ना, दिखावा करते थे, बहुत सारे लोगों का कहना था, है ना, कि वो एक पक्षी थे लेकिन दिखते सहिष्णु थे, क्रिप्टो सेकुलर। 125 भी जयंती 1995 में कैसे होगी सर, 195 में कैसे हो सकती है, 1995 में कैसे हो सकती है। 92 बन रही है सर, हाँ मैंने भी 92 बन लगाया रही था। है, 92 बन रही है, 92 हाँ बन सर, रही है सर, जोड़ बानवे बन लो रही, तो फिर पहला गलत हो बानवे जाएगा। हाँ तो पहला पहला गलत हो गया फिर, केवल गलत है जो सर। है, हाँ हाँ तभी तो बी पहला गलत गलत हो जाएगा, कनेक्शन देख लो जोड़ जा गांठ करके, है ना। 1867 में हुआ था ना, 67 है, 68 में, 68 में, 69 है यार, 68 है सर, 68 अरे यार देखो गांधी का बर्थडे देखो यार पहले जल्दी से, है ना, हम सर गांधी देख पार्क लिया में दो जाएंगे अक्टूबर अपने उन्नीस सौ बर्थडे में। पचपन से रख रहे हाँ सर, कितना, बचपन से रख पहला मार डोज रहे सर, 1968 है, अठारह गजेंद्र जी बताइए आपके हिसाब सौ से, अड़सठ उन्होंने सही है सर, 68 दोनों सही है, है तो सर, वो सही कैसे हो सिक्सटी सकता है यार, दो बार कैसे सिक्सटी पढ़ नाइन गया है होगा सर, वो, 68 है 69 सर, 69 है सर, सिक्सटी नाइन यहाँ पर क्वेश्चन फंस गया है इनके जन्म के कारण, सर, 69 है सर, कंफर्म सर, लॉक कीजिए सर, 69 है, बाबा हाँ सर, तब भी तो 1995 हाँ नहीं थे, महात्मा बहुत गांधी का दिन, आजाद हुआ था, तभी 94 बनेगा ठीक सर, है तो 125वीं जयंती तो तभी होगी ना अगले, फिर तो 94 तो 95 पे हो रही है सर, वो सही है सर, 125वीं जयंती स्टार्ट होती है ना सर, तो जन्मदिन पर ही 194 से 95 होगा ना सर, सर एक हाँ सौ इसी चौबीस साल तरह, हो गए, 125वीं शुरुआत कब होगी, जब 2 अक्टूबर होगा तभी तो 125वीं होगी सर, सही हाँ, तो ये सही है, सही है ना। अरे सही नहीं है, कैसे हो जाएंगे सर, अभी इस पर हम लोग बहस कर लेंगे कि क्या है उनका दो बर्थडे, हजार ठीक है। 2022 में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जा रही है सर, मनाई जानी है 2022 में, अब उसके हिसाब से जोड़ो सर, चलो इसको कितनी भी नेट वेट पे सर्च करते हैं तो देखते हैं, फिलहाल तो अभी इसको ऐसा डाल दो इसको जैसे पेपर का क्वेश्चन पहुंच जाता है ऐसा, जिस पर निर्णय बाकी होता है ना बाद में उसमें करेक्टर में होता है, वैसा इसको डाल दो अभी, ये हो गई कंफ्यूजन की बात, है ना, लेकिन बहुत खराब कंफ्यूजन की बात हुई है ये, है ना।
इसको क्लियर करना जरूरी है, छोटी सी बात है ये, है ना। अब गांधी 68, 69, 70 पता नहीं कौन कौन सा है ना, देख लो एक बार ढंग से इसको। है तो 69 ही सर, 69 कंफर्म है। अभी तो बुक्स में 68 लिखा हुआ है, बुक्स में लिखा हुआ था सर पहले, लेकिन नेट पे तो 69 दिखा रहा है। हाँ तो फिर गांधी की अभी कौन सी जयंती चल रही है उसके हिसाब से निकाल लो, है ना, उसके हिसाब से निकाल लेना, ठीक है। और ये प्राइस जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल को दिया जाता है हर 2 सालों पर, $1,00,000 के करीब पैसा है, $1,00,000 सोचो, बहुत पैसा है ना। लेकिन मिला किसको? अब यहाँ से नए क्वेश्चन बन जाते हैं, है ना, किसको मिला इस बार वाला, और ये मदन जीत कौन थे, ठीक है, सहिष्णुता के राजदूत कहलाते हैं, यूनियन में थे, इन्होंने ही ये अवार्ड जो है, गांधी जी को बहुत मानते थे, इन्होंने ही ये अवार्ड जो है शुरू कराया, 2020 में यह पुरस्कार मिला है सेंटर रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, सेंटर रिजोल्यूशन कॉन्फ्लिक्ट्स, ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे मिला है, इसको याद रखना, यूपीएससी के लिए क्वेश्चन है। कॉन्फ्लिक्ट्स ये ऑर्गेनाइजेशन है, सहिष्णुता का मतलब कि जहां पर फंडामेंटल राइट्स को जो है कहते हैं सबके फंडामेंटल राइट्स को ध्यान में रखते हुए सब आपसी सौहार्द एवं भाईचारा जो है बना के रखा जाए, या फिर कोई व्यक्ति है जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा हो, है ना, सेकुलर। और लेकिन यहाँ पर सेकुलर थोड़ा का शब्द का भारत में थोड़ा चेंज हो चुका है, यहाँ मीनिंग थोड़ा बदल गया है, है ना, पता नहीं क्यों ऐसा है। अच्छा, तस्लीमा नसरीन को भी मिला था 2004 में, और आंग सान सू की, है ना, आंग सान सू की को मिला था, दो फेमस हस्तियां ये भी हैं, पीछे की बातें हैं। तस्लीमा नसरीन बहुत लिखती थी ना खुल करके सही बातें, भगा दी गई थी अपने देश से, है ना, बांग्लादेश से। बात, हाँ, इस कारण से इनको मिला, तुम बहुत सेकुलर हो भाई, सही लिख रही, फंडामेंटल राइट पर तुम बात कर रही, सबके अधिकारों की बात कर रही, अधिकारों 2002 में सूकी को, सूकी को 2002 में, 2002 में, मैं इतना पुराना तो नहीं पूछेगा, है ना, इतना पुराना पूछना मुश्किल है, ठीक है। अगला एशिया से दो है ना ये, हम्म, मतलब अपने एशिया से दो हो गए ये, नहीं उसमें तो और है एशिया से, लेकिन हम सबका लिस्ट थोड़ी बनवा पाएंगे, बस ये बात है, बाकी और भी हैं एशिया से, भारत से नहीं है कोई ना, एक भी नहीं है। इसको पुरस्कार वितरण करने की जो सिस्टम है वो भारतीय ने शुरू किया था, ठीक है, मदनजीत सिंह ढींगरा भारतीय थे, ढींगरा था सर ना, हाँ टकलू, हाँ तो उन्होंने इसको शुरू किया था, सेकुलर वाला शब्द, फर्जी का शब्द देख चले गए, हमको बिल्कुल पसंद नहीं बात है ना, ये झूठा पुरस्कार है ना, जो मतलब कि इसमें सीधा कॉन्सेप्ट है इसमें, मतलब कि जो गवर्नमेंट में, मतलब जो मतलब जो अल्पसंख्यक हैं, जो उनके अधिकारों के बारे में बोलेगा बस वही सेकुलर है, अरे समझे, इनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जो पैमाने हैं सेकुलर वाला वही वाले हैं जो गांधी थे, है ना,
2018 में 150 ही मनाई गई थी सर, इस हिसाब से तो गलत पहला वाला। हाँ 2018 में 150वीं कौन सी, 150वीं मनाई गई थी। 150वीं तो निकाल लेना भाई। ठीक है तो एक क्वेश्चन और लगा लिया जाए। आज छुट्टी है तुम लोगों की? छुट्टी नहीं है सर, एक कर लीजिए जल्दी से चाहो तो। एक और कर लो भाई। थोड़ा सरल क्वेश्चन देख लेता हूँ। सरल क्वेश्चन कौन सा? सेक्स रेशियो संबंधित क्वेश्चन पूछ लूं? सर बिहार वाले ने तो वो पूछा था खाली कौन सा लगता है सेक्स वो रेशियो नहीं हार्मोन, ये भी हम बता दिए थे मजाक में एक दिन, है ना? और क्या, एंड्रोजन एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेस्टेरोन टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेस्टेरोन प्रजनन वाले हैं, और जो सेक्स डिफॉल्ट मोड में जो रहता है महिलाओं में एस्ट्रोजन रहता है, पुरुषों में एंड्रोजन रहता है। एंड्रोजन अच्छा क्वेश्चन, कोई सरल सा नहीं समझ में आ रहा है क्या पूछ लूं मैं, ये क्वेश्चन कोई बढ़िया मिल जाए जो दोनों को मजा आ जाए सुनने के बाद। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट ठीक है, जो कभी कभार समाचार में रहता है, निम्नलिखित में से किन देशों के बीच हस्ताक्षरित हुआ है? ठीक है, रिसेंटली साइंड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ऑप्शन ए इंडिया रसिया, ऑप्शन बी चाइना एंड रसिया, ऑप्शन सी इंडिया एंड एशियान, ऑप्शन डी जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑप्शन जो है करेक्ट जो सी, दस देशों का समूह है आशिया। साठ गढ़ में रात कहते हैं आर ए ए। जो इसमें सही है, सही उत्तर जो है जापान और ऑस्ट्रेलिया, डी सही है, ठीक है डी जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच हस्तांतरित हुआ है। किससे संबंधित है ये, ठीक है, कौन है जापान के प्रधानमंत्री? शिंजो अबे, नाम याद है? अच्छा कौन है? अबे नहीं बता रहे हैं, बता रहे हैं। अच्छा योशिहिदे सुगा, योशिहिदे सुगा, सुगा। और ऑस्ट्रेलिया के हैं स्कॉट मॉरिसन, मॉरिसन हाँ। और इन दोनों ने साउथ चाइना सी में, जो चाइना ने अपना 9-line का कॉन्सेप्ट दे करके अतिक्रमण कर रखा है ना,
तो उसके विरोध में उसकी स्ट्रेटजी को तोड़ने के लिए कोई हालात होता है, मारपीट की नौबत आती है, एक साथ जो है सपोर्ट करेंगे उन देशों को अधिकार दिलाने के लिए जो कि कमजोर है, जिनका अधिकार चाइना छीन रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साउथ चाइना सी डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है ये, अगर दूसरा तरीके से क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो ये किससे है, दक्षिणी चीन सागर, विवाद से संबंधित है। फिर इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हाल ही में जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने, ठीक है, रेसिप्रोकल एक्सेस एग्रीमेंट रा हस्ताक्षरित किया है, वो निम्नलिखित में से किस देश के विरोध में किया है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन दे दे, तो ऑप्शन होगा चाइना, ठीक। इस तरह से क्वेश्चन यहां से तीन निकल के आते हैं। सर एक बार वो पीएम का नाम बता देना, जापान वाले। हाँ, प्रधानमंत्री का नाम है यहाँ के, जब क्या नाम था इनका, जापान वाले नाम बताया था, यशिदे, क्या नाम बताया था भाई, योशी हिदे सुगा। हाँ, योशिदी नहीं, योशिदे सुगा, योशिदे सुगा, ठीक है। और स्कॉट मॉरिसन उसके हैं, ये वाले नाम अजीब टाइप के होते हैं, जीभ पूरी गोल घूम जाती है। ठीक है, ये दोनों लोगों ने मारिंग दौड़ा चाइना को, सीधे कहने की बात ये है ना। ठीक है भाइयों, अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, सोचो अभी तक हम लोग, अब जो है नवंबर महीने करंट अफेयर में फिल्टर करके पढ़ा रहा हूँ, करंट अफेयर तो बहुत है, लेकिन जो पेपर में आ जाए, जो जिस तरह से क्वेश्चन छांट के मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी तक हम लोग नवंबर महीने नहीं खत्म कर पाए, दिसंबर खत्म होने जा रहा है, लेकिन हम लोग करंट अफेयर बाद में शुरू किए थे ना। जी सर, और एक ही दिन तो पढ़ते हैं वीक में। हाँ, वीक में एक ही दिन पढ़ते हैं, तो कहाँ कितना कर ले जाएंगे, लेकिन हम धीरे धीरे नवंबर, फिर दिसंबर, फिर जनवरी, फरवरी, ऐसे करके हम पढ़ाते जाएंगे। तो जब पेपर में आएंगे तो ईश्वर चाहे तो हो सकता है इसमें से क्वेश्चन फंस जाए, बाकी हम कोशिश यही करते हैं कि वही पढ़ाया जाए जो पेपर में आ जाए। बाकी करंट अफेयर पढ़ाने को, पढ़ने के लिए अनंत है भैया, इतना ज़्यादा करंट अफेयर है, तुम उठा देखो इंटरनेट छान मारे, इतना क्वेश्चन रोज को रोज 12-15 आ जाता है, नहीं अगर डेट वाइज देखो तो 12-15 करंट अफेयर रोज निकल के आता, कितना पढ़ पाओगे करंट अफेयर। ठीक है, तो भाई अभी हम लोग जो है समाप्त करते हैं, आप अपने अपने घर जाइए, खाना खाइए, ब्रेड पराठा खाइए, घर पे ही तो है, आलू पराठा खाइए, कोचिंग की याद आ गई।